हेलो एवरीवन, टुडे आई स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो ऑन चैप्टर और सेम चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टॉपिक इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मींस ये थोड़ी इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है। फाइव मेन एडजस्टमेंट्स है इस चैप्टर दिया तो ये थर्ड एडजस्टमेंट है। पहला आप कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस न्यू रेशियो फाइंड करने वाला एंड देन देयर इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड नाउ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इस चैप्टर के जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मीनस जो भी कोई न्यू पार्टनर एड ऑन होंगे बिजनेस के जो भी एसेट्स होंदियाँ वो रिवैल्यूड की जाए मीनस उन्हों की वैल्यूएशन दोबारा फाइंड आउट की जाती है मीनस उन्हों की वैल्यू घटी आ के वधी आ। ठीक है, वही सेम लायबिलिटीज़ है भी लायबिलिटी भी रीअसैस किया जाता है मीनस देखा जाता है भी लायबिलिटी घटूगी कि वधूगी बिकॉज जो न्यू पार्टनर ऐड हों तो ओबियसली वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी आपस शेयर हो जाती है। मतलब कि जिवें आप पार्टनरशिप से सब कुछ शेयर करते हैं तो उस तरह एसेट्स लायबिलिटी भी शेयर किया जाता है तो दैट्स वाई उन्हों की रिवैल्यूएशन करनी नेसेसरी होंगी। तो इस जो चैप्टर है इस टॉपिक के रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम जो आप रिकनस्टिट्यूशन वाले चैप्टर में किया रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो भी कोई एसेट्स की वैल्यू इनक्रीज़ होंगी है तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने एड ऑन किया जाता। ठीक है, जिवें कोई एसेट्स की वैल्यू इनक्रीज़ हो रही है तो वो किधर आजूगी अपनी क्रैडिट साइड क्योंकि जिहड़ियां सारियां इनकम्स होंदियां थोड़ी क्रैडिट साइड्स आउंदियां तो सारे एक्सपेंस आ थोड़े वो डेबिट साइड आउंदियां। ठीक है, इनकम सारियां क्रैडिट साइड होंदियां तो जिवें एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है मतलब डिक्रीज़ हुई वैल्यू तो एसेट की वैल्यू घट रही है तो मतलब एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट साइड उवें जे एसेट की वैल्यू इनक्रीज़ हो इधरली साइड। जिवें लायबिलिटी है जे लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होंदी है फिर थोड़ी इनकम है क्योंकि थोड़ी जिम्मेवारी घट रही है डिक्रीज़ होगी तो इधर और इनक्रीज़ होगी तो इधर वाली साइड। ठीक है, जो प्रोविजन है प्रोविजन सेम आ भी थोड़ी लायबिलिटी होंगी है जो प्रोविजन तुम क्रिएट करते हो मीनस थोड़ी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो टूबो वाली साइड और जे प्रोविजन डिक्रीज़ होंगी है मतलब पहला तो सोचा सी भी थोड़े इन्ने पैसे डुबण गए सपोज करो 20,000 का एस्टीमेट लाया हुआ सी पर एक्चुअली थोड़े 20,000 का लॉस नहीं होंदा तो घटदा होंदा है तो वो थोड़ा जिहड़ा पोर्शन बच जाता है वो थोड़ा इनकम का सोर्स हो जाता है तो जे प्रोविजन डिक्रीज़ हो जाती है तो इधर आ जाएगी। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स लाइबिलिटी है जे अनरिकॉर्डेड एसेट है तो ऑफकोर्स वो थोड़ी इनकम आ तो क्रैडिट साइड उवें जे सेम अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी हो कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड नहीं होंगी ओपसो स्किप होंगी आ जिमें आप कुछ चीज़ रिकॉर्ड करना भुल जाते हैं ना जो आप अकाउंटिंग टर्म्स के चीज़ा रिकॉर्ड करते हैं जर्नल वगैरह तो जो आप कोई चीज़ स्किप कर देते हैं तो वो जो लायबिलिटी कोई स्किप होगी तो थोड़ा एक्सपेंस बनूगा फिर तुम ये दोवें साइड्स का टोटल करोगे बैलेंस फाइंड आउट करोगे जे तो बैलेंस इधर आ रहा तो प्रॉफिट तो वो जिहड़े भी पार्टनर्स होंगे उस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो तो जे बैलेंस इधर आ रहा तो लॉस ये सेम ही है जो आप पहला किया। हूँ मैं थोड़ा ये फुल फ्लैज एक न्यूमेरिकल नाल समझाऊंगी विद जर्नल एंट्रीज़ जर्नल एंट्रीज़ एक न्यूमेरिकल है इस एवं नहीं सोचना भी सेम जर्नल एंट्रीज़ दी हुई हैं ये जस्ट एक न्यूमेरिकल है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट एस्पैक्ट्स बारे दसा है। सब तो फस्ट है स्टॉक रिटर्न डाउन बाय 10% मतलब बाय और टू की वैल्यू फाइंड आउट करने भी किमें टू वाले केस करना और किमें बाय वाले करना। ठीक है, फिर स्टॉक सेम है रिटर्न डाउन मीनस जो चीज़ घट जाती है पहले चाहे स्टॉक रिटर्न डाउन होया 10% नाल घटिया मतलब 15,000 का स्टॉक सी सैकेंड चो रिटर्न डाउन ही होया 2-30% मतलब 30% तक का डाउन होया और स्टॉक नैक्सट है थर्ड वन स्टॉक 6,000 अपसलीट वन अप स्टॉक शेयर का सी बट अपसलीट हो गया 1,000 का अपसलीट होंगे जो कोई वेस्ट हो जाती है चीज़ मतलब आउट ऑफ फैशन कोई मतलब कि लीकेज वगैरह होने करके वो खराब हो गया। नैक्सट है स्टॉक 7,000 रिटर्न अप मतलब इनक्रीज़ होया अप मतलब इनक्रीज़ डाउन मतलब डिक्रीज। ठीक है, उमें सेम वाला है फिर इंश्योरेंस प्रीपेड 1,600 है नैक्सट अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 2,300 क्राइटर ओवर एसटीमेटेड यद मतलब है जेडे थोड़े क्राइटर है तुम्हें उन्होंने ओवर एसटीमेट लाया हुआ सी क्राइटर मतलब वो परसन जिन्होंने तुम पैसे देने तो मैं मतलब पैसे उन्हें देने नहीं सी मैं बाय मिसटेक मैं ओवर एसटीमेट ला बैठी हाँ 2,000 तक का जिवें सपोज करो तुम किसी 16,000 रुपया देना पर तुम उत्तर लिखी बैठे हो 18,000 मतलब 2,000 का तुम वध एसटीमेट लाई बैठे हो वो है। ठीक है, अकड इंट्रस्ट ऑन इनवैसटमेंट मतलब इंट्रस्ट जिन्ना भी थोड़ू इनवैसटमेंट तुम जो करते हो तो जो थोड़ा उत्ते ब्याज मतलब मिलता है अकड है मतलब कि पेंडिंग एसेट पेंडिंग है हजे तो एसेट थोड़ी पेंडिंग ओबियसली है जो थोड़ा इंट्रस्ट है तो थोड़ा पैसा है मतलब पैसा थोड़ा हजे मिलेगा। लास्ट वन इज प्रोविजन शेयर की इस रिड्यूस होकर किन्नी दी रहेगी 4,000 की। सो हम आप रिकॉर्ड करेंगे वन बाय वन फस्ट से अपना स्टॉक रिटर्न डाउन बाय 10% 15,000 का स्टॉक से तो 10% घटिया जो बाय आ जाए तो जिनी परसेंट जो उन्ना लगा के जिन्ना आंसर होगा वो लिखना मतलब बाय तो जिन्ना घटूगा 15,000 का जो आप 10% क्डा तो की आऊगा स्टॉक 1,500
देखो ये थोड़ा स्टॉक रिटन डाउन बाय 10%, रिटन डाउन मतलब स्टॉक थोड़ा डिक्रीज होया, ठीक है, रिटन डाउन डिक्रीज हुई एसेट, तो डिक्रीज होनी एसेट मतलब कि थोड़ा की हो रहा नुकसान हो रहा, तो नुकसान मीनस थोड़ी एक्सपेंस हो रहा, तो एक्सपेंस किधर आ जाएंगे डेबिट साइड। टू स्टॉक बाय लिखा हो जिनी वैल्यू ना लिखी है जो जिनी परसेंटेज लिखी है तो उन्हें लगा के तुम उसे कैलकुलेट करोगे तो स्टॉक आ गया 1500। सैकेंड एडजस्टमेंट है स्टॉक स्टॉक रिटर्न डाउन टू 30% ऑफ 15,000, 15,000 का स्टॉक से उस 30% तक का डाउन गया, मतलब 30% तक का डाउन गया तो किमें कैलकुलेट करोगे, 15,000 से 30% लगा लो 30/100 तो आ गया 4500, मीनस थोड़ा स्टॉक हूँ जिहड़ा हैगा मतलब कि उन्हें 30% डाउन गया, 30% डाउन गया मतलब कि 15,000 चों सिर्फ 4500 का रह गया, बाकी की हो गया डिक्रीज, तो अपना किन्नी नुकसान होया जो तो लिखे बाय नाल तो उदो जिनी एक्चुअल फिगर आँदी है बाय परसेंटेज और जो वैल्यू दी है तो जे टू लिखे तो फिर तुम कैलकुलेट करके उस एक्चुअल अमाउंट डिडक्ट करके पाओगे, ठीक है। नैक्सट वन इज़ स्टॉक 6000 से अपसलीट हो गया 1000 का, मतलब कि 1000 का स्टॉक थोड़ा अपसलीट होया, सपोज करो शेयर दी कोई चीज़ा पड़े को एसेट्स जमें समॉल पार्ट्स होंगे जो स्पेयर पार्ट्स और 1000 के खराब हो गए, मतलब हूँ यूजलैस हो गई, तो अपना लॉस किन्ना होया 1000 का, तो यह सारिया चीज़ा इन्हें तिना एंट्रीज देखो थोड़ा नुकसान हो रहा है, मतलब रिटर्न डाउन हो रहा स्टॉक जो स्लीट हो रहा, मतलब थोड़ी एसेट घट रही है तो घट रही है, मतलब थोड़ा एक्सपेंस हो रहा तो डेबिट साइड, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं स्टॉक 7000 का सी रिटर्न अप, रिटर्न अप मतलब बढ़ गया 2 9000, 7000 की चीज़ किन्ने की होगी 9000 की, तो कि लिखा आप टू लिखे तो कि वैल्यू आ जूगी 2000 बाय स्टॉक 2000, मीनस जो टू लिखे तो जिन्ना डिफरेंस आता है डिफरेंसीएशन करके देखना है, ठीक है, तो जो बाय लिखे तो जिनी एक्चुअल फिगर नाल दिती है तो उन्हें ही लिख देना। नैक्सट वन इज स्टॉक सीगा 9000 का रिटर्न अप बाय 7000, वेट ठीक है, स्टॉक सीगा थोड़ा 9000 का रिटर्न अप बाय 7000, मतलब कि 9000 का स्टॉक से रिटर्न अप बाय 7000, देखो वैल्यू तो नया लग रही है भी इतने 9000 रिटर्न अप बन के 7000 क्यों बन गया, तो यह मतलब यह नहीं गा, यह मतलब यह है भी 9000 की चीज़ है हूँ 7000 बद गई, मतलब हूँ 16000 की हुई होगी, तो आप जिन्ना वध्या फिगर उन्नी लिखनी है तो किन्नी वधी फिगर 7000 की, ठीक है। नैक्सट वन है थोड़ा इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड की होंगे जो भी कोई पैसे है मतलब तुसी एडवांस पे कर देने हो, ठीक है, पहला पे किया हुआ इंश्योरेंस है प्रीपेड है एडवांस पे है तो ऑब्वियसली थोड़ा जो हूँ एसेट बन गई, ठीक है, हम जो थोड़ू दोबारा पे करने नहीं पैणगे तो इधर आजूगा 1600। नैक्सट वन इज़ अनरिकॉर्डेड एसेट, जो कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है तो मेरे इनकम का सोर्स है, मतलब पहला मैं उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, हूँ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो भी बाय वाली साइड। नैक्सट है क्रेडिटर ओवर एसटीमेटेड, हूँ जो कोई लाइबिलिटी है जिम्मे ओवर एसटीमेट लाया तो मेरा इनकम है, क्योंकि देखो जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दी थी 16000 की चीज़ में मैं 18000 लिखी बैठी सी, तो जो मैं 18000 की बजाय हूँ मैं पे तो 16 ही करना है तो ओबियसली जो 2000 वो मेरा कि बच रहा है तो 2000 की आ गया क्रेडिट, ठीक है। अकर्ड इंट्रस्ट ये तो थोड़ा मिलना है जोड़ा थोड़ा इंट्रस्ट पेंडिंग है। तो नैक्सट लास्ट वन इज़ प्रोविजन 6000 रिड्यूस टू 4000, कोई प्रोविजन तुम्हें बनाई सी, तुम्हें सोचा सी शेयर का थोड़ा लॉस हो जूगा पर एक्चुअल लॉस होना नहीं होया, होया सिर्फ 4000 का, मतलब कट के 4000 की होगी, तो कितना लॉस होया एक्चुअल 2000 का, जिते टू आ गया तो डिफरेंस लेना होंगे तो जिते बाय लिखा तो एज इट इज़ फिगर लिखनी होंगी है, ठीक है। हुण इन सारे का आप टोटल करांगे, इधरली साइड थोड़ा अप्रॉक्स टोटल बनूगा 19,400, इधर थोड़ा अप्रॉक्स बनता 13,000, तो इधर आ गए थोड़े प्रॉफिट्स, तो इस न्यूमेरिकल जस्ट थोड़ी मतलब समझन दे लई सी, कोई पार्टनर दा डिस्कस नहीं किया होया सी, जे पार्टनर होन तो तुसी वो पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो च, अदरवाइज़ तुसी उन्हों इधर लिखोगे डिफरेंस आ जूगा थोड़ा 6400, ठीक है। इधर 13,000 बनया सी तो टोटल करके ये थोड़ा न्यूमेरिकल कंप्लीट है, ठीक है। हुण जे तुहानू सम दे विच कई बार जनरल एंट्रीज़ पुछ लैंदे आ, जे तुसीं इहदे उप ये पहला प्रिपेयर करन तों बाद जे तुसीं जनरल एंट्रीज़ करदे हो तो आई थिंक वो ईजी मैथड आ, क्योंकि वैसे तुहानू जनरल एंट्रीज़ लर्न करनियां पैणगियां, कई बार आपां नूं क्राइटेरिया भुल जांदा है, एक सिंपल वे आ जे तुसीं पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लैंदे हो तो एज़ इट इज़ चक के हुण तुसीं जनरल एंट्रीज़ कर दोगे, मैं तुहानू एक दो करके दिखा दिंदी हाँ। इच्चों जिवें सपोज़ करो लाइन वाइज चलांगे आपां, जिवें इधरों इधर आप लिखे टू स्टॉक मैं तां लिखा सी क्योंकि स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी, हुण इत्थे टू स्टॉक है तो ज़्यादा देखने की लोड़ नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो की आजूगा टू स्टॉक अकाउंट, जिनी भी उस वैल्यू पा दो 1500 एंड 1500, ये सिंपल है भी हूँ जे आप एंट्री तो अगे लैजर से जाइए तो भी सिंपल है भी हूँ मैं इतने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही थी तो मैं इतने की लिखा सी टू स्टॉक, जो मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊंगी उदो मैं बाय रिवैल्यूएशन लिखूंगी, पर वो आप बना नहीं हूँ जस्ट थोड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है,
तां सिंपल एंट्री है रिवैल्यूशन अकाउंट, जिदे अगे टू है तो टू पा दो, जिदे अगे कुछ नहीं उहदे अगे बाय ला के बाय है उहदे अगे कुछ नहीं लगा के उहवें एंट्री पा दो। ठीक है, सैकेंड एंट्री तुहाडी हो जूगी सेम रिवैल्यूशन अकाउंट डैबिट, नीचे तुसीं नरेशन लिखोगे। कई बार क्योंकि आपां एंट्री शफलिंग हो जाती है तो नरेशन तो तुहानूं क्लीयर हो जूगी भी तुसीं कि एंट्री की गल कर रहे हो। ठीक है, नरेशन लिख देने तो यह सी थोड़ी 10-500 की। ठीक है, ये तो हो गई इधरली साइड दी। जे तुसीं इधरों कोई एंट्री पाउंदे हो जिवें आपां एसेट्स अनरिकॉर्डेड दी है ना, तो वह आपां इत्थे बाय एसेट्स लिखिया, तो इत्थे मैं की लिखूंगी फिर एसेट्स अकाउंट डैबिट टू रिवैल्यूएशन। हुण तुसीं इहनूं चैक भी कर सकते हो, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही सी तां मैं इधर की लिखिया बाय एसेट्स। ठीक है, तो जिनी भी थोड़ी वैल्यू सीगी, वैल्यू तो सेम रहेगी 2300 और 2300। इदा ही सारे दिन जनरल एंट्रीज हो जाएगियाँ, इदा ही लास्ट वाली प्रॉफिट वाली होजूगी। प्रॉफिट वाली इदा होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डैबिट टू प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स आते ए बी सी लिख के तुम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके पा देने, अदरवाइज़ तुम जिनी वैल्यू आई है 6400। ये मैं थोड़े सारे न्यूमेरिकल जनरल एंट्रीज होनी है, इतने मैं कुछ करके दिखाई हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, तो तुम न्यूमेरिकल सारिया करोगी। ओके, नैक्सट जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं तो वो कुछ सब टॉपिक्स हैं, और सब टॉपिक हैं फर्स्ट कुछ एक दो ही सब टॉपिक हैं। तो एक टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। टेकन ओवर मीनस जो भी कोई पार्टनर टेकन ओवर कर लैंदा चीज़ में, टेकन ओवर जो मतलब आप लै लें कोई भी एसेट या कोई लाइबिलिटी, जो भी कोई बिजनेस फर्म है जिवें सपोज 3 partners है तो वो कोई एक पार्टनर एसेट्स को टेकन ओवर कर लेंदा है या लाइबिलिटी को टेकन ओवर कर लेंदा है, वो बदले पैसे पे कर देंदा फर्म को। ठीक है, तो वह टेकन ओवर का केस है भी जो भी कोई एक पार्टनर अपने को पैसे पा के उस चीज़ को खरीद लेंदा, भावें एसेट आ भावें लाइबिलिटी आ, तो वो कुछ केसिज है वो ट्रीटमेंट किमें करांगे। फस्ट केस है जो एसेट टेकन ओवर मोर दैन बुक वैल्यू, मतलब जिहड़ा भी कोई पार्टनर है उन्हें एसेट खरीदी है पर मोर दैन बुक वैल्यू, जिनी उहदी एक्चुअल बुक वैल्यू सी उस तो ज़्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल जिवें कोई एसेट की वैल्यू सी 10,000 की। ठीक है, कोई पार्टनर है विचों सपोज ए बी सी 3 partners है, तो उहदे विचों बी पार्टनर कहिंदा मैं लैनी है एसेट, तो मैं लैनी है 12,000 की, मतलब कि ज़्यादा वैल्यू वधा के। ठीक है, इनक्रीज वैल्यू पर, तो उसकी आप एंट्री किमें रिकॉर्ड करा। हूँ ओबियसली जो पार्टनर चीज़ खरीदूगा तो डैबिट द रिसीवर जोड़ा चीज़ खरीद रहा, जोड़ा भी पार्टनर होगा जिम्मे बी है तो इतने आजगा बीस कैपीटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपीटल अकाउंट डैबिट टू एसेट, क्योंकि बिजनेस आप इतने फर्म के अकॉर्डिंग एंट्री पा रहे हैं, तो फर्म के अकॉर्डिंग जी एसेट वो जा रही है, तो टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन इज टू बिकॉज देयर इज प्रॉफिट ऑन टेकन ओवर, क्योंकि जो फर्म है फर्म को एसेट 10,000 की सी, जो किसी पार्टनर ने टेकन ओवर कर ली तो 12,000 की टेकन ओवर की है, मतलब फर्म का एक बेनीफिट हो गया 2,000 का, तो कितना प्रॉफिट आ गया फर्म को 2,000 का, पैसा एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे 2,000 का प्रॉफिट। एक्चुअल जो पार्टनर है कितना पैसा पे कर रहा है 12,000, एसेट किन्ने की सी 10,000। जी एंट्री होंगी उस कुछ होनी है जिन्नी चीज़ जिंद वैल्यू जिनी वो अकॉर्डिंग वो सामने लिख दो, एसेट अपने को 10,000 की सी 10,000 है गया, प्रॉफिट अपने को 2,000 हो रहा है, तो जो पार्टनर टेकन ओवर कर रहे हो कि पे कर रहे हैं 12,000। एक लॉजिक दे थ्रू एंट्री है सिंपल, डेबिट द रिसीवर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि एसेट बिजनेस से जा रही है, एंड टू रिवैल्यूएशन क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। इवें जे लैस दैन वैल्यू तो खरीदना, सैकंड केस एसेट टेकन लैस दैन तो एंट्री सेम, बस जो रिवैल्यूएशन है वो एक थोड़ा लॉस चेंज हो जूगा। जिमें यही सेम एसेट होंगी 10,000 की एसेट, कोई पार्टनर 8,000 की लेंदा तो बिजनेस में तो 2,000 का घाटा सी, तो 2,000 का घाटा इतने आ जाना सी, पार्टनर किन्ना एसेट किन्ने की सी 10,000 की, पार्टनर किन्ना पे करेगा ओनली 8,000। एंट्री सेम क्योंकि पार्टनर रिसीवर है, रिसीवर की जगह पर एसेट जा रही है क्रेडिट वाली साइड, रिवैल्यूएशन इज योर लॉस। ठीक है, नैक्सट टॉपिक ये दो सी एसेट नाल रिलेटेड, जां तो मोर दैन ते लूगा जां लैस दैन ते लूगा। ठीक है, नैक्सट केस जे तो सेम वैल्यू ते लैंदा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तुसीं सिंपली उहदी एंट्री कर सकते हो, फिर तुसीं इनक्रीज डिक्रीज कढ़न की लोड़ नहीं पैनी, फिर तुसीं सिंपली उहदा नाम पा के मतलब पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट, तो सिंपल एंट्री हो जूगी सेम वैल्यू ते लैंदा। जे मोर दैन लैस दैन लैंदा फिर तुहानूं इस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना पएगा। जे लाइबिलिटी का केस है, लाइबिलिटी सेम है भी मोर दैन और लैस दैन वाला केस है, पर लाइबिलिटी एक चीज़ है भी जी एसेट है वो थोड़ी प्रॉपर्टी बनती है, पर जे कोई बंदा लाइबिलिटी लैंदा तो उसकी लाइबिलिटी इनक्रीज होती है, मतलब एसेट के केस में तुम चीज़ में रिसीव कर रहे हो मतलब वो चीज़ थोड़ी हो रही है, पर लाइबिलिटी के केस थोड़ा वो चीज़ पे करनी पेगी। जिमें सपोज कोई बिजनेस हाउस है मेरा, असी 3 partners हाँ, तो मैं एक लाइबिलिटी आपके सिर पर लैनी हूँ भी ये वाला लोन है मैं पे करूँगी,
ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਲੋਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ 20,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ 22,000 ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਗਿਵਰ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਗਿਵਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਮ ਆ ਜੂਗਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗਾ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੋਊਗੀ ਲੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ 20,000 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੇ ਕਰਦਾ, 20 ਪੇ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 22 ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜੂਗਾ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 18 ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੇਟ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਬ ਟੋਪਿਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਥਰਡ ਟੋਪਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੋਪਿਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਮੈਡੀਕਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਟੂ ਕੇਸਿਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਫੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦੀ ਅਕਮੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਅਕਮੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ 4 ਈਅਰਸ ਦਾ, 5 ਈਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਔਰ ਅਕਮੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਮੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਕਮੂਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਆ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਡਵਿਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਖਰੀਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ WCR। WCR ਮੀਨਸ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ IFR। IFR ਮੀਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਟੂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੋਸਿਸ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਮੀਨਸ ਲੋਸ। ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਐਂਡ ਟੂ DR ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। DR ਮਤਲਬ ਡੈਫਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫਰਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ,
नैक्सट वन हूँ अलग अलग डिस एक्सप्लेन किया हो जिमें आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़िया से तो नैक्सट टॉपिक इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी डिस्कस्ड मीनस जो वर्करस लिए रख्या हुआ रिजर्व है कुछ पैसा वर्करस की भलाई के लिए जो अलग तो रखा जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। तो ये कुछ केसिज है केसिज मतलब फस्ट वन इज इस नो क्लेम अगेंस्ट WCR। हम देखो सपोज करो कोई बिजनेस है उस मैं 20,000 रुपीज़ रखा हुआ रिजर्व लिए WCR मैं क्रिएट किया BVR मैं अलग रखे जे बाय चांस मेरे वर्कर्स को लोड़ पैंदी है जो कोई इंजरी होंगी है तो मैं उस टाइम पर यह पैसा यूज़ करूँगी। ठीक है हम देखो फुल ईयर एक आप एनुअल ईयर की गल करते हैं फुल ईयर कंप्लीट हो गया बट ये पैसा मैं कितने भी यूज़ नहीं किया मतलब कोई मैंने लोड ही नहीं पई कोई वर्कर्स की इंजरी नहीं हुई मीनस इफ नो क्लेम अगेंस्ट WCR मतलब जिहड़ा थोड़ा तुसीं रिजर्व बना के रख्या होया सी मतलब पैसा जो सेव करके रख्या होया सी उहदा कोई क्लेम नहीं आया मतलब तुसीं उहनूं कितने भी यूटिलाइज नहीं किया वरत्या नहीं हैगा तो की करांगे सिंपली जो अपना ईयर क्लोज होगा फाइनैशियल ईयर क्लोज होगा ये सारे रिजर्व नूं तुसीं किहनूं वंड दोगे ओल्ड पार्टनर्स नूं क्योंकि देखो जो रिजर्व रखा गया तो बिजनेस के पैसे चो रखा गया तो ठीक है नवा पार्टनर का तो उतना कोई लिंक नहीं पुराने पार्टनर्स के आपके प्रॉफिट चो हिस्सा कढ़ के रिजर्व बनवाया सी दैन उन्होंने भी रिजर्व मिल जूगा। ठीक है नैक्सट केस इज इफ क्लेम एग्जिस्ट हूँ देखो ये तो है भी कोई क्लेम तुसी कीता ही नहीं मतलब फुल ईयर कंप्लीट हो गया पर थोनू पैसे की लोड़ नहीं पई मीनस कोई वर्कर्स की इंजरी या कोई वर्कर्स नू कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है नैक्सट वन केस है भी जो कोई क्लेम एग्जिस्ट करता मतलब कि कोई थोनू पैसे की लोड़ पैंदी है तो लोड़ पैंदी है तो वो भी तीन केस है जां तां थोनू सेम जिन्ना तुसी रिजर्व रखे उन्ने पैसे की लोड़ पेगी जां थोनू वध दी भी पै सकती है तो घट दी भी पै सकती है इट इज़ ऑल अबाउट सिचुएशन मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फस्ट केस है क्लेम इज़ लोअर दैन WCR मतलब कि घट जिन्ना थोनू क्लेम है वह तुसी घट कर रहे हो एक्चुअल रिजर्व दे नालों मीनस जिमें तुसी WCR मैं पहले गल की 20,000 रखिया पर तुसी क्लेम कर रहे हो ओनली 15,000 मतलब कि थोनू बिजनेस कल्ले 15,000 की लोड़ पै रही है वर्कर्स की हैल्प ली। ठीक है तो यदि एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR टू ओल्ड पार्टनर्स मीनस इतने आजगा थोड़ा 20,000 प्रोविजन किन्ने की क्रिएट होगी प्रोविजन मीनस लाइबिलिटी लाइबिलिटी होगी क्योंकि तुसी 20,000 पैसा सेव रखा सी वो तुसी रखा सी भी अनफोरसीन सिचुएशन दे लई मतलब जे तो थोनू जरूरत पैगी तो तुसी उन्हों वरत लोगे अदरवाइज तुसी उन्हों साल दे एंड ते पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो प्रोविजन फॉर WCR मतलब किन्ने दी लोड़ पई किन्ने दी लाइबिलिटी क्रिएट हुई 15,000 की 5,000 की करांगे पार्टनर्स रेशो दे अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करांगे इत्थे आपां जिन्हें भी पार्टनर होंगे जिमें सपोज टू एज़ कैपिटल टू बीज़ कैपिटल टू सीज़ कैपिटल और इन रेशो ओल्ड रेशो। ठीक है नैक्सट केस है थोड़ा जो जो क्लेम है वो इक्वल्स टू अ WCR मीनस जेवा तुसी मतलब कि पैसा है जिन्ना तुसी क्लेम कर रहे हो वो इक्वल है मतलब जिन्नी भी थोड़ी WCR सी जिमें मतलब 20,000 का मैं रिजर्व रख्या होया सी जिम मैं 20,000 का रिजर्व क्रिएट किया हुआ सी तो मैं 20,000 की लोड़ पैगी मतलब इक्वल अमाउंट ना तो घट तो ना वध तो जिनी भी मेरा पैसा से हूँ देखो जिन्ना भी मतलब सपोज मैं 20,000 रखा से 20,000 मैं यूज़ कर लिया हूँ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वास्ते तो कुछ भी नहीं बचना क्योंकि वो सारा पैसा वर्कर्स ने यूटिलाइज कर लिया मतलब कोई उन्होंने हैल्थ रिलेटिड प्रॉब्लम्स हुई हैं कोई डिसीजेज या कोई इंजरी हुई है तो उत्थे आपां उन्हूं पूरा खत्म करता तो एंट्री आजूगी WCR टू प्रोविजन मतलब सिंपली जे तो पैसा बचता फिर तो तुसी पार्टनर नूं दिंदे जे घटदा फिर तुसी पार्टनर तो लेंदे तो इस कोई केस इहो जिहा नहीं होया इक्वल इक्वल हो गया तो खत्म केस। नैक्सट वन इज़ हायर क्लेम दैन WCR मतलब WCR थोड़ा 20,000 दा जरूरी नहीं भी थोड़ा 20,000 की लोड़ पेगी जो घट पेगी कई बार होंगे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो ज़्यादा की जरूरत भी पैंदी है तो सपोज करो इतना क्लेम हो गया 30,000 का मतलब कि थोनू पैसे की लोड़ पई 30,000 की पर तुसी जिहड़ा सेव रख्या सी वो सिर्फ 20,000 ही सी मतलब कि वर्कर्स नूं ज़्यादा प्रॉब्लम होने करके थोनू 30,000 रुपीज़ खर्च करना पै गया तो हम जिहड़ा 10,000 वध खर्च किया वह कितों आऊगा वो आपां पार्टनर्स तो रिसीव करांगे तो इहदी एंट्री होगी एक तरह का लॉस हो गया क्योंकि मैं सोचा सी मेरा 20,000 वर्कर्स लिए मैं यूटिलाइज़ करूँगी पर हो गया 30,000 तो 10,000 का की आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट च मतलब उधरों आप अपने प्रॉफिट्स चो अपने पार्टनर्स तो लवेंगे ये वाला पार्ट और एक्चुअल मेरा WCR सी 20,000 बट प्रोविजन बन गई 30,000 की। ठीक है मतलब इस जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप इतने लिखा हुआ WCR रीवैल्यूएशन मीनस ये थोड़ा लॉस है डेबिट ऑल लॉसिज वाला केस और टू प्रोविजन लाइबिलिटी तो जोड़ा भी तुम्हें डेबिट क्रिएट किया ये थोड़े रीवैल्यूएशन चो आऊगा रीवैल्यूएशन चो आऊगा तो ऑब्वियस जो पार्टनर्स हैं उन्होंने की है प्रॉफिट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है नैक्सट रिजर्व थोड़ा है इन्वैसटमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये स्मॉल टाइप्स है जो समझनिया जरूरी है जो आप फुल फ्लैज मेडिकल करा उस तो पहला
ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ 10,000, ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10,000 ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ 8,000 ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 2,000 ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ 2,000 ਦਾ ਲੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਲੋਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਫਾਲ ਇਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਾਲ ਇਨ ਵੈਲਿਊ, ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਹੈ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 5,000 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ 5,000 ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਕੇ ਰਹੇਗੀ 4,000 ਦੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ 5,000 ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ 5,000, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 5,000 ਸੀ ਔਰ 4,000, ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਇਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਮਤਲਬ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ 5,000 ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 4,000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਤਲਬ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ 5,000 ਦਾ, 4,000 ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ 4,000 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਜੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚੂਗਾ ਨਾ। 1,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ 'ਚ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਪਾਰਟਨਰਸ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ 4,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 5,000 ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4,000 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਘੱਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫਾਲ ਇਨ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, 5,000 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਫਾਲ ਇਨ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਐੱਫ ਆਰ, ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 5,000 ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 7,000। ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਰਾ 5,000 ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 7,000 ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ 7,000। ਹੁਣ 5,000 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 2,000 ਆ ਉਹ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਲੋਸ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜੂਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜੂਗੀ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ 10,000 ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 20,000 ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 10,000 ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 20,000 ਦੀ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ
ये जिहड़ा मैनू प्रॉफिट होया वह मैं किनू दे दूंगी, रिवैल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर करके पार्टनर्स के प्रॉफिट ऐड हो जूगा, मीनस इनवैसटमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन एंड दैन रिवैल्यूशन तो किधर आ जूगा टू ओल्ड पार्टनर्स, मीनस उन्हों का प्रॉफिट इनक्रीज़ हो जूगा। ओबियस है जो कहोगे थोड़ी इनवैसटमेंट की वैल्यू इनक्रीज हुई है तो प्रॉफिट इनक्रीज होगा। ठीक है, ये थोड़े सारे सब टॉपिक्स से। नैक्सट अपना नैक्सट वीडियो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराऊंगी फुल फ्लेज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।